दोस्तों आज मैं मटर ग्रो कर रही हूँ, वो भी जो घर में चाट वाली मटर होती है ना, उससे। कहीं से भी हमें बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मटर के प्लांट को हम कई तरह से ग्रो कर सकते हैं। जो हरी मटर होती है उससे भी मटर आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन जो चाट वाली मटर होती है, जो ज़्यादातर घरों में मिल जाती है और पंसारी की दुकान से आप ये ले सकते हैं, इससे भी हम मटर को ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मैंने रात में पानी में भिगो दिया था, और भिगोने के बाद आप शाम तक इसको ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए, तो इसमें अपने आप ही ये अंकुरित होनी शुरू हो जाएगी, जैसे चना अंकुरित हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से देखिए, इसमें अपने आप ही जड़ें बनना शुरू हो गई हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसको लगाने का। इस टाइम पे अगर हम इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो होती है। ये मटर मैंने पहले भी ग्रो करी है, उसमें मुझसे एक गलती हुई कि मैंने लगाने के बाद एकदम से पूरा ज़्यादा पानी दे दिया। तो आप ये गलती ना करें, जब भी आप ये मटर लगाएं थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी में लगाएं, और जब तक वो ग्रो ना हो जाए तब तक उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दें। बस स्प्रे से हल्का सा स्प्रे कर दें, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगी। 2 से 4 दिन में ये मटर अच्छे से ग्रो हो जाएगी, और उसके बाद हम पानी दे सकते हैं। पानी फिर भी तभी दें जब मिट्टी सूख जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है ये मटर को ग्रो करने का। आसानी से हमारे घर में ये मिल जाएगी चाट वाली मटर, और वैसे भी नहीं मिलती है तो आप किसी भी पड़ोस में कहीं भी कोई दुकान हो आपके यहाँ पंसारी की, उससे आप ले सकते हैं। और या फिर हरी मटर हो आपके पास तो उससे भी आप ये मटर ग्रो कर सकते हैं, और 2 से 2.5 महीने में मटर आने लगती हैं। मटर का पौधा हम ज़्यादा बड़े गमले में ना भी लगाएं तो भी अच्छे से चलता है, क्योंकि ज़्यादा इसकी जड़ें नहीं फैलती हैं। बहुत ही सुंदर पौधा होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जो मैंने लगाई थी उसमें से सिर्फ एक ही पौधा ग्रो हुआ है, और वो बहुत अच्छे से चल रहा है। इसलिए आज मैंने दोबारा लगाई हैं कि कम से कम 3-4 पौधे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं अब की बार कितने ग्रो होते हैं, लेकिन अगर एक पौधा भी मेरा ही ग्रो हुआ है ये भी बहुत बढ़िया बात है, और बहुत अच्छे से ये चल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर से ये पूंछ सी भी निकल गई है, जो अब मुझे यहाँ पर लकड़ी वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा, और नीचे से भी एक नई ब्रांच आ रही है। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और इसको मैंने कंपोस्ट, मिट्टी और रेत, ये तीनों चीज़ मिक्स करके ही लगाया है। डायरेक्ट उसी गमले में लगाया था, उसी में लगा हुआ है। तो 2 महीने के अंदर फूल आने लगेंगे, बहुत ही जल्दी फूल आते हैं इस पर, और फिर जब मटर लगेंगी तो बात ही क्या है। तो आप भी ग्रो करिए इसी तरह से। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने घर से ही ग्रो कर सकते हैं, और इन सर्दियों में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है पर बहुत काम का है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सियाराम।